ये फ्रेम सही है? हाँ। जूम इन नहीं करो ना? नहीं। अभी बोलता हूँ, देख थोड़ा वाइड हो गया ये, इतना देख अच्छा लग रहा है बैठ के, थोड़ा और जूम करे तो अच्छा। यार अभी बोलती है ठीक है वाइड, ये और जूम, ये उधर तो देख। तो फोन कितना एडिक्ट हो गई है तू यार, फोन मत देख इधर दे। अरे मैं अपने फ्रेंड के अरे तो अभी जब वीडियो बना रहे हैं तो फोन मत देखना, देगी परफेक्ट दिख रहा है तेरे को? ये चश्मा ले, ये ले देख, दिख रहा है कि नहीं फ्रेंड? परफेक्ट है, चश्मा तो साफ कर लिया कर। मुझे अभी भी याद है हम लोग वो घर में बैठे थे, वी वर ऑल सेट टू मेक द अनाउंसमेंट वीडियो, ऐसे लग रहा है अभी बस कुछ दिन पहले की बात है, और अभी हम लोग यहाँ पर पहुंच गए, ये वाले घर में वीडियो बना रहे हैं। या दैट्स ऑलमोस्ट 3.5 इयर्स बैक द वर्ल्ड। 2024 चालू है, 2020 हमने अगस्त 2021 में अनाउंस किया था। अगस्त 21 2 3 4 3 साल नहीं, 3 साल नहीं हो, 2.5 इयर्स, 2.5 इयर्स। हां स्काई आस्त्री देख के, स्काई बस टेबल मत गिराना स्काई, आई नो एक व्हाट यू गोना से, दे ऑलरेडी नो। कम यस स्काई, यू आई डोंट नो, कम इतना चमक मत, वो बिल्ली गिराएगी और फिर कैमरा गिराएगी। तो जब लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाया था कितना सेफली बनाया था, अभी हमको अपने बच्चे से खतरा है। बेटा तो सो जाना जाके, अंदर तो नींद आ रही है। तो आप में से बहुत सारे समझदार लोग हैं जिन्होंने मेरा हिंट बहुत पहले ही ले लिया, स्पेशली दुबई में हिंट ले लिया था, बट आई थिंक नाउ इट्स द परफेक्ट टाइम टू अनाउंस। या और अगर हम लोग पास और अगर हम छुपा सकते और तो हम छुपा देते, बट नाउ इट्स बिकमिंग वेरी एविडेंट फिजिकली टू हाइड इट। सो गाइस, as you guys might have guessed it, we are having a baby again. yakin nahi acha nahi laga lagega logo ko bolne ke liye that we didn't plan it again, but we really didn't plan again. It was just a blessing. And jab shane ne mujhe first time bola tha, I remember main sone ja raha tha raat ko, ha raat ko, and after coming from our US trip shane ne mujhe bataya nahi, usne pregnancy kit mangaya, aur ha US trip ke baad mera melbourne se aa gaya tha, main melbourne se aa gaya, melbourne se just aaya tha, उसने प्रेगनेंसी किट मंगाया मुझे बताया नहीं, मुझे अचानक बोलती है निखिल आई एम प्रेगनेंट, मैंने बोला मुझे लगा जोक कर रही है, मतलब 100% लगा जोक कर रही है, ये कुछ कैमरा वैमरा मुझे बेवकूफ़ बनाएगी। तो जब थॉट आई वाज प्रैंकिंग हिम, प्रैंक तो जब मैंने देखा वो डबल स्ट्रिप है, अब हमारे पास कोई वीडियो प्रूफ नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स इट वाज सो अनप्लान्ड, इट वाज अनप्लान्ड, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, शी वाज जस्ट चेकिंग, आई थॉट शी इज गोना प्रैंक मी एंड ऑल, हम लोग अकेले में करते रहते हैं आलतू फालतू प्रैंक। बिकॉज जब शानिस ने मुझे बोला और मैंने कंफर्म किया वो प्रेग्नेंट है, तो मैं तो एकदम शॉक में आ गया, बिकॉज अभी हमारी लाइफ देखो, जो लोग जिनका बच्चा है, एक बच्चा है, उनको मालूम है कि जब बच्चा 2 साल क्रॉस होता है आपकी लाइफ जो फुल ट्रैक में आती है, सब अच्छा हो जाता है, काम सोना वोना सब, और फिर से बच्चे को बोलते तो अरे फिर से यू हैव टू गो थ्रू, बट सेकेंड टाइम इज ऑलवेज ईजियर। एंड मुझे पता है आप लोग बोलोगे कैमरे में नहीं बोलना चाहिए, बट दैट्स अ फैक्ट, वी ओनली प्लान फॉर वन बेबी, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड व्हेन दिस हैपेंड टू अस आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड, यू नो आई डोंट थिंक, आई थिंक आई मिस्ड माय पीरियड, आई नीड टू चेक, एंड देन आई जस्ट टुक द टेस्ट, एंड मैं बिल्कुल 0% एक्सपेक्टेंसी के साथ मैंने टेस्ट लिया, मैंने रख दिया, एंड दैट वाज द फास्टेस्ट कन्वर्ट टेस्ट, 10 seconds में इट शोड मी आई एम प्रेग्नेंट, आई केम आउट सेइंग देखो आई एम प्रेग्नेंट, देखो आई एम प्रेग्नेंट। जो मतलब जब फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग स्काई चेक किया तो कितना देर बाद डिले प्रेगनेंसी, ये फलाना ढिमकाना, और यहां पर तो टक ठुक चेंज, ये क्या, और निखिल को मजाक लगा, एंड इट वाज नॉट अ लाई, देन आई टुक अ टेस्ट अगेन इन द मॉर्निंग, दैट केम पॉजिटिव, देन आई टुक टेस्ट अगेन इन द इवनिंग दैट नाइट, तो तीनों बार जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया, और उसके बाद हमारे सारे हमने चेक जो करते हैं प्रेग्नेंट होने के बाद, सोनोग्राफी फलाना ढिमकाना सब किया, सो बेसिकली हम वी आर एट द फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 4.5 months ड्यू कब है, ड्यू है सितंबर एंड में, एंड आई जस्ट होप दैट वो सितंबर एंड में, बिकॉज पहले दे सेड अक्टूबर फर्स्ट वीक, देन नाउ दे आर सितंबर एंड, डॉक्टर बोलता है डिपेंड्स, इट कैन हैपन अर्लियर टू, आई एम लाइक अरे एक डेट दे दो हम लोग को, बट द होल थिंग इज दैट वी वर वेरी एक्साइटेड, आई वॉज वेरी नर्वस, आई इवन क्राइड बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू गेट प्रेगनेंट, बिकॉज ऐसा लगा था कि लाइफ इज जस्ट गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, एवरीथिंग इज गेटिंग गुड, बट देन सम हाउ बिकॉज कायू ने हम लोग को इतनी ज्यादा खुशी दी, एंड हम लोग को बहुत टाइम से आई थिंक माई मॉम एंड डैड एंड यू नो ऑल द अदर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हैव बीन टेलिंग अस दैट यू नो यू शुड हैव अ सिबलिंग फॉर स्काई बिकॉज स्काई विल फील लोनली अदरवाइज, एंड आई थिंक उस चीज ने हम लोग को इतना खुश कर दिया, वी बिकेम मोर हैप्पियर फॉर स्काई दैट स्काई इज गोना हैव अ सिबलिंग टू शेयर अ लाइफ विद, एंड 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 चिल्ड्रन आर जस्ट हैप्पीनेस, वी आर वी लव टू बी पेरेंट्स, तो हमने सोचा कि सेकेंड बच्चा मतलब इट्स अमेजिंग, लेट्स गो फॉर इट। स्काई डिटेक्ट करती है
बेबी 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 ऐसा करती है। एंड पता है सबसे ज्यादा किसने बोला? रोहन के डैड ने, जब लोग न्यूयॉर्क में थे। हाँ। तो वो बोलता था कि हमने भी ऐसे सोचा, हमने एक ही बच्चा किया, लेकिन आगे जाके लगा कि यार दो बच्चा करना चाहिए था। निखिल, बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं एक बच्चा करने का उस टाइम, जो भी रीजन होता है, फाइनेंशियल रीजन, इमोशनल रीजन, जैसा भी रीजन होता है, बट इट्स बेटर टू हैव टू चिल्ड्रन, ये वो। हालांकि मैं वो चीज़ पे कभी बिलीव नहीं कर रहा, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा सेकंड बेबी इज अबाउट टू कम तो बहुत खुश हो गया भाई साहब। अलग है, हम सेकंड प्रेगनेंसी में इतना डर नहीं लगता, मोर एक्सपीरियंस, रिपोर्ट्स के लिए आप एकदम कॉन्फिडेंटली जाते हो। हाँ। बेली जल्दी पॉप करता है, ये कुछ नया सीखा मैंने, जल्दी पॉप कर रहा है। एंड शाइनेस जो पहले थोड़ा डरती थी, नर्वस होती थी, अभी वो बिल्कुल भी नहीं है। She is very very confident. Doesn't mean I'm not nervous for the whole delivery thing to happen again. मतलब लड़कियों को होता ही रहता है। But then hopefully I told Nikhil, hopefully this will be our last pregnancy. So let's live it to the fullest. Let's cheer it to the fullest. But Sky बहुत खुश होने वाली है ना? Sky बहुत खुश होने वाली है। What is this baby? Baby? बस उसको baby को protect करना पड़ेगा Sky से। Baby? Why did you come baby? बोलते हैं Sky अभी रात को सोगी। बेबी सा आवाज आया स्काई नहीं यार, she's very sweet, she'll not do anything like this, but yeah, in this pregnancy we are very happy for each other, but we are even happier for Sky, and we are very experienced now बच्चा संभालने के लिए। तो अभी कोई टेंशन की बात है ही नहीं, बस शुरू का जो इनिशियल 15-20 डेज होता है वो ही ध्यान में रखना। और मुझे पता नहीं क्या बोलना है, फर्स्ट जब हमने अनाउंसमेंट वीडियो बनाया था उसमें तो बहुत कुछ बोलने को था, इसमें तो पता ही नहीं। यू नो इतना स्ट्रेंज फीलिंग है, लाइक फर्स्ट प्रेगनेंसी में यू डोंट नो द फीलिंग ऑफ हाउ इट्स गोइंग टू बी, हाउ लाइफ विल चेंज व्हेन यू हैव अ किड, बट सेकंड बच्चे में आपको फीलिंग पता है कि कैसे लगता है बच्चा आता है, बट फिर भी इतनी एक्साइटमेंट है कि स्कायू, हाउ विल इट बी टू सी स्कायू विद अनदर बेबी ऑफ आर ओन, एंड यू नो हाउ वी आर गोइंग टू लव देम बोथ। बहुत सारे सवाल ऐसा आते हैं, तो वो वाली एक्साइटमेंट भी है मेरे में बहुत ज्यादा। आई थिंक एज गैप भी परफेक्ट रहेगा, Sky is 2 years 4 months, she'll almost be 3 year old, she's almost be 3 जब सेकंड बेबी विल बी बॉर्न, सो वो जो उनका जो एज गैप रहेगा परफेक्ट रहेगा। मतलब जब दूसरा जो बेबी है व्हेन इट विल बी 2, Sky विल बी ऑलमोस्ट 5 6 दिमाग सही हुआ था। And फिर बहाना पता क्या मिलता है? कुछ भी, I'm pregnant, no, I'm pregnant, no, I'm That's pregnant. The best thing. I will play that card whenever I get the chance. Please. Because Nikhil is the nicest and sweetest husband. वैसे भी है, but he's the sweetest husband when I'm pregnant. So. वो तो होना पड़ता है। Yeah, but we're very excited. But अभी अभी हाँ, एक और changes है कि जब first pregnancy में मैं और शानिज अकेले थे, मतलब adult, और ये आ गई। आजा बेटा। बेटा बोल दिया अभी हमने, बोल क्या हुआ? मम्मा को लेके चाहिए पहले पापड़ी, कुछ तो अलग पापड़ी बोली, क्या बोली? उसके लिए हमने ये आइसक्रीम का कुछ मंगाया था, बोलती है मैंने प्लेइंग मोड, डोंट डू दिस, लेट मी गो। वो बोली तुमने सबको बता दिया अभी मुझसे बात मत करो। नहीं नहीं वो तो खुश है, बोलो बता दिया ना, अभी टेंशन नहीं है, अभी डैडा को बार बार मॉम को क्रॉप नहीं करना पड़ेगा वीडियो में। अचानक से न्यूज ब्रेक कर दे लोगों पे, सो दैट्स व्हाई इफ आई वांटेड इट, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। या दैट्स दैट, अगर आपको थोड़ा भी पता है, बिकॉज इसके लिए मैं स्माइल कर रहा था। और बाय द वे वो वाला वीडियो कभी जो हमने दुबई में शूट किया था वो बाद में डालेंगे ना, मतलब इसके कंटिन्यूएशन में डाल दूं? इसके कंटिन्यूएशन में डालेंगे व्हेन द बेबी इज बॉर्न, उसके बाद डालेंगे। नहीं इसके कंटिन्यूएशन में डालता हूं, फिर उसका जो कंटिन्यूएशन अभी भी बताता हूं। वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ बकबक, बट वन थिंग आई विल से, बिकॉज़ आई एम वेरी रोमांटिक नाउडेज, कि आई जस्ट डोंट बिलीव इट, कैसे लाइक व्हेन आई मेट निखिल वी वर जस्ट फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, हु वुड हैव थॉट वन किड, लाइक वी वुड गेट मैरिड, वी वुड हैव अ किड, एंड नाउ टू किड्स, इट फील्स लाइक वी आर कंप्लीटिंग एंड मेकिंग अ फैमिली ऑफ आवर ओन। दिस इज आवर 10th ईयर टुगेदर, 10वां साल शुरू हो गया। मैं उसे निखिल को बोला, कल बोला निखिल को बुला के अंदर, निखिल तुझे पता है 18 अप्रैल हो गया है, आज 20 अप्रैल है, एंड आई एम लाइक निखिल 13th अप्रैल को वी कंप्लीटेड 9 years टुगेदर एंड इट्स 10th ईयर टुगेदर, लाइक वी आर गोना कंप्लीट 1 decade, यू नो दिस ईयर, लाइक नेक्स्ट ईयर 15th अप्रैल को, लाइक माय गॉड, हु वुड हैव थॉट, लाइफ इज ब्यूटीफुल ना? हां, एंड मैरिंग योर बेस्ट फ्रेंड इज इवन बेटर। लाइफ इज ब्यूटीफुल व्हेन यू नो व्हाट यू वांट टू डू।
और व्हेन योर इंटेंशंस आर नाइस प्योर यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी का बुरा नहीं चाहो, अच्छा करो, अच्छा कमाओ, अच्छा हेल्थी देखो, इन्वेस्टमेंट करो, मतलब अच्छा अच्छा करो तो बट एक चीज तो लाइक आई थिंक टच वुड किसी की नजर ना लगे, बट द थिंग इज द हैप्पीएस्ट थिंग इन आर लाइफ, लाइक आई थिंक वी आर सो सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ हैविंग ईच अदर, इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ हैप्पी फैमिली, एंड दैट इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस यू कैन हैव इन लाइफ, है ना? लाइक वी आर ट्रूली ट्रूली हैप्पी एवरी डे टुगेदर. आई फील वेरी वेल्दी व्हेन आई गेट अप इन माय हाउस टू सी वाइफ लाइक दिस, चाइल्ड लाइक स्काई, माई मदर ऑलवेज चेक्स ऑन मी, ऑलवेज शाउट्स एट मी, और जो रील बनाया वो आप लोग को अच्छा लगा. सो छोटी छोटी चीज ना इंसान को वेल्दी बनाती है. कि अगर एक स्पेशली आदमी लोग जो ऑल द बॉयज आर वॉचिंग, जब आप जबकि जिंदगी में ऐसी औरतें होती हैं ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं होता. आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे बढ़ोगे, वो आपके फिर हाथ में नहीं रहेगा. आप ऑटोमेटिकली मेहनत करोगे फॉर योर वाइफ, फॉर योर मदर, फॉर योर फादर, फॉर योर किड्स, ऑटोमेटिकली सब होगा. इसके लिए इंटेंशन जो है ना, इसके लिए लोग कभी कभी जेन जी को बोलते कि बड़ा ऐसा जनरेशन, बट आई थिंक हम लोग भी मतलब मिलेनियल्स भी ऐसे ही थे वो एज में. व्हेनेवर यू आर मैरिंग अ मैन, ऑलवेज मेक श्योर दैट बिफोर मैरिंग कि ही विल मेक अ ग्रेट फादर टू योर चिल्ड्रन. सो ऑफ कोर्स आई आस्क्ड मायसेल्फ दैट क्वेश्चन दैट विल निखिल मेक अ गुड फादर टू माय चिल्ड्रन. ऑफ कोर्स ही इज ऑलमोस्ट अ फादरली फिगर टू मी ओनली, लाइक वो मेरा ही ध्यान पापा जैसा रखता है, स्ट्रिक्ट ऑल्सो एंड ऑल ऑफ दैट. सो लाइक ऑफ कोर्स ही इज गोना बी अ ग्रेट फादर टू माय चिल्ड्रन, बट ऑनेस्टली लाइक ही इज बीन सच एन अमेजिंग फादर ऑफ वन डॉटर ऑफ वन चाइल्ड कि आई कैन नॉट वेट टू सी कि हाउ इज गोना बी विद टू किड्स. It's going to be crazy, but I'm going to be very happy with two kids. Yeah, complete family. Yeah, complete family. Chalo bhai, ye itna hi. Thank you. Thank you. अभी हम आपको बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर आए थे प्रेगनेंसी का अपडेट लेने के लिए. All good. वो लड़की. Oh shit. Oh. ये स्लिट हो गया था.